क्वेश्चन में यहाँ फिगर दिया हुआ है, फिगर में जो गिवन है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि एक्स वाई और एम एन दो लाइंस हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है और ए इज़ टू बी 2:3 है, तो ये सी एंगल फाइंड करना है। तो गिवन में हम लोग लिखेंगे, गिवन हो जाएगा अब यहाँ पर एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री एंड लेट एंगल ए इक्वल टू 2x एंड बी इक्वल टू 3x, चूँकि दोनों का रेशियो दिया हुआ है। फाइंड एंड रिक्वायर्ड टू फाइंड सी कितना है, सी का एंगल निकालना है। चलिए अब इसको हम लोग फाइंड करने के लिए प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई, ये एंगल और ये एंगल, एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन है और इस पर ये दूसरा लाइन आके स्टैंड कर रहा है, तो इसको हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। तो इसको केवल लिखेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से हो गया। अब एंगल पी ओ एक्स के जगह पे पी ओ एक्स ही लिखेंगे, लेकिन पी ओ वाई इसका मेजरमेंट दिया हुआ है 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 को इधर माइनस करेंगे तो ये हो गया एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू 180 माइनस 90, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम लोग पी ओ एक्स एंगल को ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो ए के जगह पे ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, चूँकि ए और बी मिलकर के ये पी ओ एक्स एंगल बनाता है। ए के जगह पे 2x और बी के जगह पे 3x लिखेंगे, तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 90/5 इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब हम लोग b का वैल्यू निकालते हैं, एंगल b इज इक्वल टू 3x इक्वल टू 18 इंटू 3 इज इक्वल टू 54 डिग्री, 18 इंटू 3 इज इक्वल टू 54। अब फिर से आ जाइए आप, देखिए एक्स वाई और एम एन फिगर में, एक्स वाई और एम एन दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो बी और सी ये भी लीनियर पेयर हो जाएगा। अगेन बाय लीनियर पेयर बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, बी का ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे हम लोग, दैट इज़ 54 डिग्री, प्लस सी हमको फाइंड करना है। तो अब यहाँ से सी हमारा इजीली निकल जाएगा, देयरफॉर सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54 इज इक्वल टू 126 डिग्री, दिस इज द आंसर। इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी।